Hello everyone, once again from Vidyamandir Classes, my name is Saurabh and welcome to the YouTube channel of Vidyamandir Classes. आज के इस छोटे से वीडियो में, छोटे से इंटरेक्शन में हम लोग बात करेंगे जो JEE Mains 2020 जो जनवरी में होने जा रहा है उसके बारे में जानकारी की और कब फॉर्म आ रहे हैं, कब फॉर्म भरने हैं और क्या इस बार नया जो थर्ड पेपर ऐड हुआ है वो किसके लिए हैं और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग फाइनली एक टच पॉइंट दे देते हैं फटाफट। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे लास्ट ईयर से जिन्होंने JEE Mains कराना शुरू किया है, साल में दो बार JEE Mains हो रहा है, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में। तो इस साल भी वैसा ही है कि जनवरी 2020 में JEE Mains हो रहा है, जिसके फॉर्म्स आप सबको पता है कि आउट हो चुके हैं। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट जो है 3 सितंबर 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 तक हैं। 3 सितंबर 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 तक हैं। तो इस बीच में, इस विंडो में आप किसी भी दिन अपना JEE का फॉर्म भर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर लीजिए। आई थिंक हम लोगों को लास्ट डेट तक के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यूज, सर्वर इश्यूज, ग्लिचेस जो होती हैं वो हो जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी, जब हमने मन मना ही लिया है तैयारी करने का, तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। तो 3 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, फ्रॉम 3 सितंबर टू 30 सितंबर द फॉर्म्स आर अवेलेबल। और इस बार जो जनवरी एग्जाम है उसकी डेट्स जो हमें दी गई हैं वो दी गई हैं 6 जनवरी 2020 टू 11 जनवरी 2020। मतलब जो है हमारे पास 6 जनवरी 2020 से 11 जनवरी 2020 तक का समय जो है वो JEE Mains का है। अब आपको कौन सी डेट मिलती है, कौन सा स्लॉट मिलता है, ये NTA तय करेगा। जब आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम डेट कौन सी है और आपका एग्जाम का स्लॉट कौन सा है, मॉर्निंग स्लॉट है या इवनिंग स्लॉट है, आपकी डेट 6th है 7th है 8th है 9th है 10th है 11th है, है ना। तो मंडे से लेके सैटरडे तक, मतलब 6 जनवरी 2020 से लेके और सैटरडे 11 जनवरी 2020 तक JEE के जो हैं एग्जाम के शेड्यूल्स आपके पास आ जाएंगे जैसे जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है। तो एक तो इस बार आप लोग सारी लोगों ने चेंज देखा होगा कि जो पहला चेंज है वो ये है कि हर साल जो जब से हम देख रहे हैं AI EEE और फिर AI EEE JEE Main बना, वो उसमें 30 क्वेश्चंस आते थे, इस बार 25 क्वेश्चंस कर दिए हैं और जिसमें कि 20 मल्टीपल चॉइस हैं और 5 जो है न्यूमेरिकल टाइप हैं। इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है ऑलरेडी हम वीडियो रिलीज कर चुके हैं उसी रात को मनमोहन भैया का, तो आप सब लोग उस मनमोहन भैया के वीडियो को देख सकते हैं और उसमें उन्होंने वो भी बताया है कि इस चेंज को होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, डिफ़िकल्टी लेवल को चेंज होने से कैसा डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होगा, इस पैटर्न के चेंज होने से स्टूडेंट्स पे कैसा फ़र्क पड़ेगा, रैंकिंग पे कैसा फ़र्क पड़ेगा। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, वो आपको काफ़ी इंसाइट देगा। चलिए हम लोग एक बात करते हैं कि इस बार एक और नई चीज उन्होंने कही कि लास्ट ईयर तक अगर आप ध्यान करिए, अगर आप लोगों को ने देखा होगा कि दो पेपर के ऑप्शन दिए जाते थे, पेपर वन जिसको कहा जाता था जो बीटेक के लिए होता था और पेपर टू कहा जाता था जो बीटेक और बी आर्क या बी प्लानिंग के लिए होता था। इस बार उन्होंने तीन पेपर की बात कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि पेपर वन जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, बी टेक के लिए हैं, जिसको मैक्सिमम बच्चे इस पेपर को देते हैं। और इस पेपर में जो है आप सभी जान रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आ रही है। 25 क्वेश्चंस इस बार जो नया पैटर्न है वो कह रहा है कि 25 क्वेश्चंस आएंगे, 20+5, राइट। पेपर टू जो है ये बी आर्क के लिए है, पेपर टू इज फॉर बी आर्क, राइट। और पेपर थ्री जो है वो है बी प्लानिंग के लिए। अगर आप बैचलर्स इन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो बी प्लानिंग के लिए है पेपर थ्री, राइट। अब पेपर टू और पेपर थ्री जो है इसके अंदर भी तीन सेक्शन हैं, इसके अंदर भी तीन सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो मैथमेटिक्स का है, सेकंड सेक्शन जो है वो एप्टीट्यूड का है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड का है, और थर्ड सेक्शन जो है ये ड्राइंग बेस्ड है,
ये ड्राइंग बेस्ड है, यानी पेन एंड पेपर हो गया ये, ठीक है। जो थर्ड सेक्शन है ये पेन एंड पेपर हो गया, और पहले दोनों सेक्शन जो हैं ये सीबीटी मोड में हैं, पहले दोनों सेक्शन जो हैं ये सीबीटी मोड में हैं। सिमिलरली जो हमारा जो थर्ड पेपर है इसमें भी तीन सेक्शन हैं, इसके पहले दोनों सेक्शन जो हैं वो मैथ्स और एप्टीट्यूड जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बी आर के केस में है, मैथमेटिक्स, यहाँ वाली मैथमेटिक्स, ये वाला एप्टीट्यूड, ये वाला एप्टीट्यूड, ये सेम है। और जो इसका थर्ड सेक्शन है वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लानिंग। तो जो लोग बी प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लानिंग, राइट। सो देर आर थ्री पेपर्स, दोज हू वांट टू गो फॉर बी टेक ओनली फॉर इंजीनियरिंग इन इन ऑल द मेजर स्ट्रीम्स, दे हैव टू गिव पेपर वन ओनली। जिन जिन लोगों को आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट है वो लोगों को पेपर वन और पेपर टू दोनों देने हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको इंजीनियरिंग और प्लानिंग में इंटरेस्ट है उनको पेपर वन और पेपर थ्री देने हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लें, मतलब हम बीटेक का भी ऑप्शन देख लें, हम बी आर का भी ऑप्शन देख लें, हम बी प्लानिंग का भी ऑप्शन देख लें, तो उन बच्चों को सारे तीनों पेपर देने हैं। पेपर वन भी देना है, पेपर टू भी देना है, पेपर थ्री भी देना है। अगर आपको तीनों ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं तो आपको तीनों पेपर देने हैं, आपको दो ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं तो आपको दो पेपर देने हैं, आपको सिर्फ बीटेक एक्सप्लोर करना है तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, फर्स्ट पेपर देना है जो बीटेक के लिए है, राइट। तो एक बच्चा मिनिमम एक पेपर देगा और मैक्सिमम तीन पेपर दे सकता है, जैसी भी उसकी चॉइस हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा सारे बच्चों से, जो भी बीटेक के सिवाय बी आर्क और बी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, वो पहले जो है फॉर्म भरने से पहले, उसका ऑप्शन चूज करने से पहले एक बार उन सारे कॉलेजेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में आर्किटेक्चर और प्लानिंग के जानकारी ले लें कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो बी आर्क ऑफर कर रहे हैं, कैसा कोर्स है, कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं बी प्लानिंग ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सा कैसा कोर्स है, जिससे कि आपको अपना आगे का सिचुएशन को डिसाइड करने में आसानी होगी। तो आप कुछ घंटे निकाल के, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोग जो है वेबसाइट्स पे जाइए और देखिए कि कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो बी आर्क में अच्छे हैं, बी प्लानिंग में अच्छे हैं, जिससे कि आप उनको जो है चूज कर सकें, कि आप अपने ऑप्शंस देख सकें कि हम कितने ऑप्शंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो हम फिर से एक बार लास्ट पे सम अप कर लेते हैं इस बात को कि जो जेई के फॉर्म्स हैं थर्ड सितंबर से निकल चुके हैं और 30th सितंबर तक आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। हमारी एडवाइस विद्यामंदिर की तरफ से ये है कि आप जितना जल्दी भर लीजिए उतना अच्छा है, जिससे कि किसी टेक्निकल ग्लिच में आप ना फंसें। सारे डेटे को देख लीजिए ध्यान से कि सारा डेटा आपने सही भरा हुआ है। इसके अलावा एग्जाम की डेट जो है वो 6 जनवरी 2020 से लेके 11 जनवरी 2020 तक हैं। 6 दिन का समय है, मंडे से लेके सैटरडे तक का, यानी 12 शिफ्टें होंगी या जैसा भी होगा ये NTA और अभी जो है एडमिट कार्ड्स के थ्रू या जब शेड्यूल अपना रिलीज करेगा वो बता देगा। इसका रिजल्ट जो NTA कह रहा है वो कह रहा है कि हम 31 जनवरी 2020 से पहले पहले आपको 1 जनवरी JEE मेंस का जो JEE मेंस जनवरी वाला है उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। यानी जनवरी JEE मेंस जो 11 तारीख को ख़त्म होगा उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 31 जनवरी से पहले आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर पहले आ गए थे, इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले आ जाएंगे। इसके अलावा एक थर्ड पेपर जो है शुरू किया गया है, थर्ड पेपर जो है बी प्लानिंग के लिए हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको खाली बीटेक करना है पेपर वन देना है, बीटेक बी आर दोनों देखना है तो पेपर वन पेपर टू देखना है, बीटेक बी आर बी प्लानिंग तीनों देखना है तो पेपर वन टू थ्री देना है, और अगर आपको बीटेक और बी प्लानिंग देखना है तो पेपर वन और थ्री देना है। इन पेपर में के पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और जो मैंने आपसे फिर से कहा था कि जो ये 20+5 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन कम हुए हैं और न्यूमेरिकल ऐड हुए हैं, इसमें मनमोहन भैया का वीडियो जो है आप सब लोग देखिए इसी सेम यूट्यूब चैनल पे, तो आपको ज़्यादा इनसाइट उसमें से मिल जाएगी। बस इतनी ही जानकारी देने के लिए आज आपके सामने हम आए थे। आपने अगर अभी तक विद्या मंदिर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जनवरी JEE मेंस। थैंक यू सो मच।